देविका रानी हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर की वो अदाकारा जिसको भारत की पहली हीरोइन होने का खिताब हासिल है। देविका रानी वो अभिनेत्री जिसने हिंदी सिनेमा में सबसे पहले 4 मिनट लंबा किस सीन दिया था। 10 साल लंबे अपने बेहद सफल फिल्मी करियर में देविका रानी ने खूब तारीफें बटोरी, आलोचनाएं झेली, धोखा सहा, लेकिन अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर जीवन की हर चुनौती से लड़ती और जीतती चली गई। किस्सा टीवी आज अपने दर्शकों को अपने जमाने की महानतम बॉलीवुड अदाकारा देविका रानी की जिंदगी की कहानी बताएगा। यूं तो देविका रानी के जीवन पर एक पूरी फिल्म बनाई जा सकती है, लेकिन किस्सा टीवी उनके जीवन से जुड़े कुछ अहम किस्से अपने दर्शकों को इस वीडियो के जरिए सुनाएगा। 30 मार्च सन 1908 को देविका रानी का जन्म विशाखापत्तनम में रहने वाले एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम था देविका रानी चौधरी। इनका परिवार एक बेहद पढ़ा लिखा और संपन्न परिवार था। इनके पिता का नाम कर्नल डॉक्टर मन्मथनाथ चौधरी था, जो कि एक जमींदार थे। देविका की माँ लीला देवी चौधरी भी काफ़ी पढ़ी लिखी थी। लीला देवी चौधरी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की भांजी थी, यानी रिश्ते में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर देविका रानी के नाना लगते थे। देविका की उम्र महज 9 साल ही थी जब इनके माता पिता ने इन्हें इंग्लैंड के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था। स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद देविका ने लंदन के एक कॉलेज से एक्टिंग और म्यूजिक की पढ़ाई की। इसके बाद लंदन से ही उन्होंने आर्ट डायरेक्शन और कॉस्ट्यूम डिज़ाइन की पढ़ाई भी की। इंग्लैंड में ही एक दिन इनकी मुलाकात हिमांशु रॉय से हुई थी। भारतवंशी होने के बावजूद भी हिमांशु रॉय उन दिनों इंग्लैंड में एक जाना पहचाना चेहरा हुआ करते थे। वो ना केवल एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे बल्कि एक हीरो भी थे। देविका जब हिमांशु राय से मिली थी तो उस वक्त वो अ थ्रो ऑफ डाइस नाम की एक फिल्म बना रहे थे। पहली ही मुलाकात में देविका हिमांशु राय की शख्सियत से काफ़ी प्रभावित हुई। देविका ने हिमांशु के असिस्टेंट बनने की गुजारिश की और हिमांशु ने उनको अपने असिस्टेंट के तौर पर रख भी लिया। साथ काम करने के दौरान देविका रानी और हिमांशु राय एक दूजे को काफ़ी पसंद करने लगे। जल्द ही यह पसंद मोहब्बत में बदल गई और आखिरकार सन 1929 में देविका रानी और हिमांशु राय ने शादी कर ली। इस शादी की खबर जब देविका के माता पिता को मिली तो वो उनसे बेहद नाराज हुए। उन्होंने देविका से अपने रिश्ते खत्म कर लिए, लेकिन हिमांशु राय के रूप में देविका को उनका हमसफर मिल चुका था, इसलिए परिवार की नाराजगी की उन्होंने जरा भी परवाह नहीं की। साल 1933 में देविका रानी और उनके पति हिमांशु राय ने लंदन में ही एक फिल्म बनाई। कर्मा नाम की उस फिल्म को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया था। फिल्म में हीरो और हीरोइन भी ये दोनों पति पत्नी ही बने थे। इस फिल्म के रिलीज होने के 1 साल बाद यानी साल 1934 में देविका और उनके पति हिमांशु राय मुंबई आकर बस गए। मुंबई में इन दोनों ने बॉम्बे टॉकीज नाम के एक बेहद भव्य फिल्म स्टूडियो की स्थापना की। अपने फिल्मी स्टूडियो से उन्होंने ढेरों शानदार और सफल फिल्मों का निर्माण किया, लेकिन इस स्टूडियो में सन 1936 में बनी जीवन नैया नाम की फिल्म से एक बड़ा ही अनोखा किस्सा जुड़ा है। दरअसल उस फिल्म में हीरोइन देविका रानी थी और हीरो थे उस जमाने के बेहद हैंडसम और डैशिंग एक्टर नजमुल हसन। फिल्म की शूटिंग के दौरान देविका रानी नजमुल हसन को अपना दिल दे बैठी। नजमुल के सामने देविका रानी अपना दिल कुछ इस तरह से हार बैठी कि शादीशुदा होने के बावजूद उन्होंने नजमुल हसन के साथ रहने का फैसला कर लिया और देविका रानी उनके साथ भाग गई। जीवन नैया नाम की उस फिल्म की शूटिंग भी लटक गई। बॉम्बे टॉकीज इस पूरे घटनाक्रम से बुरी तरह से हिल गया। बड़ी मुश्किल से देविका रानी को जीवन नैया फिल्म को पूरी करने के लिए मनाया गया। देविका मान भी गई, लेकिन उनके पति हिमांशु राय ने नजमुल हसन को फिल्म से निकाल दिया और अशोक कुमार नाम के एक नए लड़के को फिल्म का हीरो बनाया। जी हाँ, दादामुनि यानी अशोक कुमार की पहली फिल्म बॉम्बे टॉकीज की जीवन नैया ही थी।
फिल्म रिलीज हुई और सुपरहिट साबित हुई। अब तक देविका रानी के सिर से नजमुल हसन का भूत भी पूरी तरह से उतर गया था। इसके बाद तो देविका रानी ने अशोक कुमार के साथ कई फिल्में की और उनमें से अधिकतर फिल्में हिट साबित हुई। देविका रानी और अशोक कुमार की सबसे ज़्यादा चर्चित फिल्म मानी जाती है अछूत कन्या। साल 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो बॉम्बे टॉकीज पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। बॉम्बे टॉकीज भयंकर आर्थिक नुकसान की चपेट में आ गया। बॉम्बे टॉकीज को डूबता देख हिमांशु राय बुरी तरह अवसादग्रस्त हो गए और 1940 में हिमांशु राय का निधन हो गया। पति की मौत के बाद देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज में उनकी जगह ले ली। देविका रानी बॉम्बे टॉकीज की प्रोड्यूसर बन गई। वो लोग जो देविका रानी के बॉम्बे टॉकीज का चीफ बनने पर कहते थे कि देविका ये जिम्मेदारी संभाल नहीं पाएंगी, देविका ने अपनी काबिलियत से उन सब की बोलती बंद कर दी। देविका रानी की देखरेख में बॉम्बे टॉकीज ने कई सुपरहिट फिल्मों का निर्माण किया। इनमें सबसे प्रमुख थी झूला, बंधन, किस्मत व कंगन। बॉम्बे टॉकीज की कमान संभालने के बाद देविका रानी ने कई नए चेहरों को मौका दिया जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा जगत का बहुत बड़ा नाम बने। इनमें सबसे पहला नाम आता है मधुबाला का। मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां बेगम था। बसंत नाम की अपनी एक फिल्म में मधुबाला को बेबी मुमताज के नाम से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट देविका रानी ने पहला ब्रेक दिया था। आगे चलकर देविका रानी ने ही मुमताज जहां बेगम का नाम बदलकर मधुबाला किया था। सन 1944 में जब देविका रानी ने ज्वारभाटा नाम की फिल्म बनाई तो उसमें भी उन्होंने एक नए लड़के यूसुफ खान को एज अ हीरो एक्टिंग करने का मौका दिया। देविका रानी ने यूसुफ खान का नाम बदलकर दिलीप कुमार रख दिया। वही दिलीप कुमार जो आगे चलकर हिंदी सिनेमा में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर हुए। इस फिल्म के एक साल बाद यानी 1945 में देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज के अपने सभी शेयर्स बेच दिए और उन्होंने फिल्मों से रिटायरमेंट ले लिया। रिटायर होते ही देविका रानी ने एक रशियन पेंटर से शादी कर ली और बॉम्बे छोड़कर बेंगलोर आ गई और यहीं रहने लगी। बेंगलोर में देविका रानी और उनके दूसरे पति ने ढेर सारी प्रॉपर्टी खरीदी, एक्सपोर्ट का बिजनेस भी सेटअप कर लिया। जीवन की गाड़ी यूं ही आगे बढ़ती जा रही थी। देविका को कभी कोई औलाद नहीं हुई। सन 1993 में उनके दूसरे पति की मौत हो गई। इसके बाद तो देविका एकदम अकेली पड़ गई। जिंदगी का अकेलापन देविका रानी से बर्दाश्त नहीं हुआ। पति की मौत के लगभग एक साल बाद यानी 9 मार्च सन 1994 को देविका रानी भी 85 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़कर चली गई। जैसा कि किस्सा टीवी ने शुरू में ही कहा था कि देविका रानी की जिंदगी की कहानी पर एक पूरी फिल्म बनाई जा सकती है, तो उनके जीवन से जुड़ी कुछ और दिलचस्प कहानियाँ किस्सा टीवी आप दर्शकों को ज़रूर सुनाएगा। किस्सा टीवी देविका रानी को नमन करते हुए फिल्म इंडस्ट्री में उनके योगदान के लिए उन्हें सैल्यूट करता है। जय हिंद।